सबक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशुबा इंकशाफ आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया चेयरमैन पी टी आई ने तमाम तरह को छुपा कर साइफर का झूठा और बेबुनियादिया बनाया तहरीके अदम एतम से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया चेयरमैन पी टी आई ने साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का भी धोया आजम खान चेयरमैन पी टी आई ने मना करने के बावजूद खुफिया मुरासला आवाम में जतीी मफाद के लिए लहराया साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझ कर गलत रंग दिया गया ड्रामा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए रचाया साइफर का अपने पास रखना भी कानून की खिलाफ वर्जी थी वापस मांगने पर चेयरमैन पी टी आई ने इसके गुम होने से मुतल बताया सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान चेयरमैन पी टी आई ने मुल्की मफादात के साथ खेल खेला मुल्की मीशत को बहरान से दो चार किया इस शख्स ने जाति मफाद के लिए मुल्क में अनारकी पैदा की साइफर मामले में चेयरमैन पी टी आई और शाह महमूद कुरैशी मुलाविज हैं। चेयरमैन पी टी आई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इकबाली बयान उनके खिलाफ फर्द जुर्म है आजम खान के बयान से ये पता चल चुका है कि असल मीर जाफर कौन है वजी दाख्ता राना सनाउल्ला की न्यूज कॉन्फ्रेंस नौ मई को शहदा की यादगारों और कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया पी टी आई का जत्था मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रहा था कानून और आइन के मुताबिक मेरिट पर तहकीकत की जा रही हैं पी टी आई शरपसंदनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं चेयरमैन पी टी आई को अपने जराइम का हिसाब देना ही होगा विफाकी वजी दाखिला राना सना एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत बेनकाब हो गई। साइफर मामले की तहकीकात के लिए एफआईए को हिदायत जारी कर दी गई है साइफर मामले पर मुल्क में बहरान पैदा किया गया साइफर मामले पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है साइफर को अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी है अदालत के हुक्म के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हर किस्म की तहकीकत की जा सकती है खसूसी अताधारण वजारत खारजा में इंतजामी असलाहत दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं किसी भी ग्लोबल चेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा डिप्लोमेटिक सर्विस के असूलोत पर अमल दरामद ज़रूरी है वजारत खारजा के अफसरान मुल्क मफाद के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी मिशन अपनी जिम्मेदारियाँ आसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं फैटअप से निकलने के लिए वजारत खारजा ने अहम किरदार अदा किया वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सिविल सोसाइटी के वक्त का जिना हाउस का दौरा नौ मई के वाकत की शदीद मसम्मत मुनजम साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई ऐसी घनावनी साजिशों से मुल्क और पाक फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए वक्त का मुतालबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश पिशावर रोड पर गोलडा मोर के करीब दीवार गिरने से बारह अफराद जहाँ बहा वजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का वाक्य पर गहरे दुख और रंज का इजहार रावलपिंडी के नाललाई में सैलाबी कैफियत रेन इमरजेंसी नाफिज फौज समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट सिक्स के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कमल अहम खबरें आपने जानी तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए Ka, city ka, you have to be young at heart and creative. pakistan this was i think one thing that can catapult pakistan out of a national depression is what these startups are doing. so yeah, this is what i live for, startups and early stage businesses. so yeah, i couldn't be happier to be here. So, looking forward to the great yeah, solutions. Cool. The resilient youth, yeah. hai Quite exciting. Uh, मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसे ही पैसा हर तरफ रहा है <laughs> तो कुछ मेरे से भी आ जाए उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर <laughs>

चेयरमैन पी टी आई ने साइफर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासला को आवाम में ज़ाती मफाद के लिए लहराया साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझ कर गलत रंग दिया गया साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने बयान में बताया कि आठ मार्च दो हजार बाईस को सेक्रेटरी खारजा ने मुझे साइफर के बारे में बताया शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन पीटीआई ने उसके गुम होने के मुताबिक बताया आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनके सामने साइफर को आवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की अट्ठाईस मार्च को बनी गाला मीटिंग और तीस मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफर का मामला जेर बहस आया मीटिंग्स में सेक्रेटरी खारजा ने शुरा को साइफर के मंदरजात के मुताबिक बताया मोहम्मद आजम खान के मुताबिक वजारत खारजा से मौसू होने वाले तमाम साइफर्स जे एस एफ एस ए वजर अजम के दफ्तर में वजारत खारजा के नुमाइंदे को वापस कर दिए गए तहम जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खोया हुआ साइफर वापस नहीं किया गया क्योंकि चेयरमैन पी टी आई ने उसे खो दिया था और बार बार कहने के बावजूद वापस नहीं किया विफाकी वजी दाखिला राना सनाउल्ला का कहना है कि सबक वजीरम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक बयान उनके खिलाफ फर्द जुर्म है चेयरमैन पी टी आई ने मुल्की मफात के साथ खेल खेला और मुल्की मीशत को बहरान से दो चार किया इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि साइफर मामले में चेयरमैन पी टी आई और शाह महमूद कुरैशी मुलवि हैं आजम खान के बयान से पता चल चुका है कि असल मीर जाफर कौन है अपने सियासी और जती मफाद के लिए जो है वो एक खेल खेला और साइफर की बुनियाद पर जो है वो एक ड्रामा एक डोंग रचाया और जो है वो एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के मफादा के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब ख़ुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है आजम ख़ान का जो बयान है उसमें वो ऑडियो जो इससे पहले मंजर आम पे जो है वो आ चुकी है उसकी तस्दीक भी करता है और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि कब सेकटरी ख़ारजा उनके इलम में ये बात लाए और इसमें और, और कौन कौन था? शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक हैं और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बैन अवी मैार के मुताबिक इदारों को बेहतरी और आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है इस्लामाबाद में सरकारी इदारों में जारी असलाहत पर पेशरफ के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वजी अजम ने ज़ोर दिया कि खदात की आउट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शफाफियत के अंसर को मरकज़ी अहमियत दी जाए उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि कौमी तरक्की का तसलसल बरकरार रहे लिहाजा हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा निगरान की पॉलिसियों का तसलसल कायम रखे वजे अजम ने हिदायत की कि कौमी खजाने को खसारे से नुकसान पहुंचाने वाले इदारों में असलाहत का तरजीही बुनियादों पर नफाज यकी बनाया जाए वजे अजम को सरकारी इदारों में असलाहत से मुतल ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टेट ओंड आंट्रप्रनोर्स में असलाहत का अमल तेजी से जारी है जदीद निज़ाम और बेहतरीन सहूलियात की फराम के लिए इन इदारों के बोर्ड्स में माहरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी इजलास में वजेम को इधारों बशमूल कॉर्पोर की के पेश करने के साथ साथ जारी इजी पेशरफ से भी आगाह किया गया। वजी अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतहदा कौमी मूवमेंट के वफ्त ने कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क्यादत में मुलाकात की इस्लाबाद में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल मरदमशुमारी के हवाले से तफसी मशावरत हुई मुतहदा के वफ ने हुकतीशी टीम की कोशिशों से आई एम एफ के साथ मुकम्मल होने पर वजीरम को खराज तहसीन पेश किया वफ़ ने वजीम को कराची में विफाकी हुकूमत के जारी मनसूबों की जीती निगरानी और तरजीही बुनियादों पर उन पर काम यकीनी बनाने पर भी खराज तहसीन पेश किया हालिया मुलाकात वजीरम की निगरान हुकूमत की तशकील के लिए इतहादियों से मशावरत के सिलसिले की एक कड़ी है वजीर अजम के साइफर के मामले पर मुल्क में बहरान पैदा किया गया चेयरमैन तहरीक का साइफर को अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी है, है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था की साइफर मामले पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया है तहकीकत के लिए एफ आई ए को हिदयात जारी कर दी गई है कि वो झूठा बयानिया था वो साइफर जिस पर झूठ बोला गया जिस पर झूठे मिनट्स लिखे गए जिस पर इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा किया गया एक का बयान आ जाने के बाद मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि न्याजी के ख़िलाफ़ फिलफॉर ट्रायल जो है वो चलवाया जाएगा साइफर का लहराना साइफर का अपने कब्जे में रखना साइफर को घुमा देना ये पाकिस्तान की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था मगर आज पूरी कौम के सामने न्याजी के मोतमद खास उनकी हैंड पिक्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कारे खास, जो तमाम मामला उनके बेहाव पे देखते थे आज उन्होंने इमरान न्याजी को मुजरिम करार दिया है। साइफर का ड्रामा बेनकाब हो गया है जो बहरान मुल्क में पैदा करने की कोशिश की गई थी उसको पहले भी मौजूदा हुकूमत ने नाकाम बनाया था और अब वो ड्रामा बेनकाब होने के बाद से उसकी हकीकत सामने आ चुकी है और उनका ये भी कहना था ताड़ का कि अब असल में पता चल गया है कि असल मीर जाफर कौन है मुल्क से गद्दारी और मुल्क से के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था अब इसी इशू पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मनसब खान उन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है इस मौ, तमाम मामले की हकीकत जो है वो उनसे पूछते हैं इमरान मनसब खान साइफर लहराना साइफर को फिर अपने पास रखना साइफर का गुम कर देना और फिर इतनी इतना बड़ा बयानियाँ बनाने की कोशिश करना इल्ज़ाम लगाना मौजूदा हुकूमत पर Uh, क्या कहेंगे आप ये जो मामला अब सामने आया है क्या हकीकत सामने आई है देखिए जी आ, बात यह है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना आ, जो है सबसे अहम बात तो खुद ये है कि आज वजीर आजम के जो सबक आजम के जो सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान उन्होंने जो अमरीकी साजिश का एक मुबैया नया बयानिया था उसकी एक जो हंडिया थी वो उसको अगर ये कहें कि बीच चुराई में फूट गई है तो आज वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है वो साइफर के मामले पर आ, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एक सौ चौंसठ के बयान में अपने होशुबा इनकशफफात सामने लेके आए हैं वो उन्होंने एतराफ़ किया है जो कि साइफर के मामले पर एक ड्रामा रचाया गया था कि चेयरमैन पी टी आई ने जो साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल देने का इजहार किया था उनके सामने वो उन्होंने आज अपने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान था उसके अंदर वो राज जो है उसको आश्कार कर दिया है और, और उनका ये कहना था कि साइबर ड्रामे के जरिए आवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ खिलाफ नफरत का बीज बोया गया मना करने के बावजूद सीक्रेट रास्ते को अवाम में जाती मफाद के लिए लेराया गया और आ, उनका यह भी कहना था कि आठ मार्च 2022 को सैकटी खाजा ने उन्हें साइफर के बारे में बताया जबकि जो सबक वजी खारजा शहमहमूद कुरैशी थे वो सबक वजी अजम को सैफर के मुतल पहले ही बता चुके थे और इसके अलावा आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पी टी आई ने उनके सामने साइफर को आवाम के सामने बैरूनी साजिश के तौर पर आ, आ, के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की अट्ठाईस मार्च को इस हवाले से पहले बनी गाला में एक मीटिंग हुई फिर तीस मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में इस साइफर का मामला जेरे बहस आया और इस मीटिंग में सेक्रेटरी खाजा थे उस वक्त उन्होंने शुरुका को साइफर के मुंदरजात के मुतल बताया और चेयरमैन पी टी आई ने साइफर को अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया बड़ी अहम बात की उन्होंने अपने एक सौ चौसठ के बयान में आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पी टी आई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि खुद कानून की एक खुली खिलाफवर्जी है और साइफर उनसे जब वापस मांगा गया तो उनका उनका ये कहना था कि वो गुम हो गया और बार बार कहने के बावजूद साइफर को वापस नहीं किया गया और साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मुबैना मिली भगत का जानबूझकर रंग दिया गया और साइफर को बैरूनी साजिश का रंग देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने का एक ड्रामा रचाया गया और ये था आज उनका एक सौ चौंसठ का बयान जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कलम कराया जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान तफसी से आप हमें आगाह कर रहे थे सबक वजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानब से होशुबा इनकेशाफा आज सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि साइफर का जो बयानिया था वो झूठा था और जान बूझ कर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि विभागीय वजीत मरियम औरंगजेब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स ने मुलाकात की मुलाकात में दो तरफा तल्लत माशी इसकाम फिल्म आर्ट और सकाफत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने हुकूमत के मुल्की मीशत के इसकाम आई एम एफ़ से माहे फिल्म एंड कल्चर समेत मुल्क में आज़ादी इजहार राय के फ़रोग के लिए कोशिशों को सराहा इस मौके पर विफाकी वजी इतलात ने कहा कि वज़र अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत ने मुल्की मीशत के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए हुकूमती इकदाम की बदौलत मुल्की मीशत में मुस्बत नतज आना शुरू हो गए हैं विफाकी वजीत ने खसूस सरमाकारी सहूलत कौंसिल के क़्याम के बारे में भी आस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को आगाह किया ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रेकर्ड एक मनसूबे पर बलोचिस्तान में काम कर रही है ये मंसूबा बिलाशुबा पाकिस्तान की तरक्की की नई राहें खोलेगा और वजीर अजम के कोऑर्डिनेटर वरायत और तवानाई बिलाल अजहर क्या कहते हैं कि मौजूदा इतिहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके माशी मुश्किल पर काबू पा लिया और मुल्क को डिफॉल्ट ऐसी बचाया तफसी बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वजे के कोऑर्डिटर बनाए मीशतान अजहर की यानी ने कहा कि वजर की आई एम एफ के साथ मुए उन्होंने कहा कि आई एम एफ के स्टैंड बाई अजमेंट से सन्त कारों कामाद बहाल हुआ है और पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पैतालीस हजार पॉइंट की सतह की जो पिछले चौदह माह से जायद में सबसे ऊंची सतह है तो उसके अलावा भी आपने देखा ने हमारी जो आ, रेटिंग है उसको ट्रिपल सी माइनस से ट्रिपल सी किया वो भी इम्प्रूव हुई बिजनेस कम्युनिटी हो इन्वेस्टर्स हो जिन लोगों को भी आपके मीडिया चैनल्स पे भी आप लोगों ने कमेंटेटर्स को कारोबारी लोगों को लिया सब ने एक ही आवाज़ के साथ इस बात की तस्दीक की कि ये एक अच्छा स्टेप है बिलाल अजहर की ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ फराहम किया और मालियाती मुश्किल के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाया उन्होंने कहा है कि साजिशी अनासर को मौजूदा हुकूमत की कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही जिन लोगों ने डिफॉल्ट के को करने की कोशिश की जो लोग तदार पर मुसलत थे उन्होंने तबाही की चार साल और फिर जाते जाते जानबूझ के हर मुमकिन साजिश की कोशिश की डिफ़ॉल कराने की जो बारूदी सरंगे वो बिछा कर गए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए उनकी छोटी सियासत के लिए उनकी मसनू सियासत के लिए वो सुरंगे हमने साफ की वज़र अजम के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आई एम एफ के साथ के नतीजे में मज़ीद टैक्से नहीं लगाए जा रहे हैं जो बजट के अंदर ही जो टैक्सेस आए किए गए थे वही टैक्सेज हैं अब नौमाह में हमने उसकी पैरवी करनी है नौमाह में हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है इसलिए अगर कोई भी शख्स ये तासुर दे रहा है कि अब कोई मजदूद टैक्सेज की कोई कमिटमेंट हुई हुई है या मजद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर एक ये झूठ बोला जा रहा है कि जरात की आमदन पर कोई टैक्स लाया जा रहा है ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है वजीर अजम की कोआर्डीटर बिलाल अजहर कीानी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत को बचाने के लिए सियासत की उन्होंने कहा की माशी के लिए सियासी इसल का अमल जारी रखना होगा न्यूज़, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियल के बाद अपील के हक से मतलब अटर्नी जनरल ऐसी इक्कीस जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है छह रुकनी बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटर्नी जनरल ऐसी कहा की उन्हें अदालत को मुतमिन करना होगा की ट्रायल के बाद अपील का हक होगा बेंच के रुकन जस्टिस आफरीदी ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील का हक़ दिया जाना मकसूद है तो इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने नौ मई के हवाले से जो हक और इल्जाम की तफसील बताई है वो काफ़ी संगीन है अटर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए मौकफ़ इख्तियारा कि नौ मई को हसास पहुंची तनसीबात पर मनसूबाबंदी के तहत एक ही वक्त में हमले किए गए रावलपिंडी और पिशावर समेत मुल्क के दीर हिस्सों में हमले किए गए हमलों में पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ अटर्नी जनरल ने कहा कि नौ मई के वाकत में फौजी तनसीबा को एक अरब अठानवे करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया जबकि मजमुई तौर पर ढाई अरब रुपये का नुकसान हुआ था। के, दौरान ने की के लिए एक बार फिर तश्ल देने की इस्त की अदालत ने मामले की समाधान इक्कीस जुलाई तक मुलतवी कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की हुक्म इम्तना जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर है अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समात की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और बुष्रा बीबी के सात मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी फरीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया है खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पी ने अदालत में खड़े होकर माफी मांग ली इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेश होकर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगता हूं एक और अदालत में चेयरमैन पीटीआई टी आई की छह मुकदमात में 25 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई जज ताहिर अब्बास सिपरा ने चेयरमैन पीटीआई को तीन मुख्त मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी है एहतसाब अदालत में जेर समात नेशनल क्राइम एजेंसी एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में चेयरमैन पी टी आई की बुरी जमानत छब्बीस जुलाई तक

तारीखी यादगार को नुकसान पहुँचाने पर शदीद का इजहार किया जो तो वाक़ हमने यहाँ पे देखे हैं जिस तरह इस जना हाउस पे हमला किया गया है हम उसकी शदीद अलफाज में उसकी मजम्मत करते हैं इस दिल खराश वाक्य पर और हमें बहुत अफसोस हुआ है देख कर इतनी कदीम जगह को और इतनी एक हमारे नज़दीक तो यह बहुत मतबर और पकीज़ा जगह है जहाँ पे जना साहब ने अपनी रिहाइश रखी और जो जना साहब के नाम से हाउस है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं मैं इसमें यह भी कहूँगा कि फौज है तो पाकिस्तान है किसी इदारे के साथ पाक का लफज नहीं लगता ये एक वाद इदारा है जिसके साथ पाक फौज का लफज लगता है हम अपनी पाक फौज के साथ शाना मशाना खड़े हैं शहरियों का कहना है कि 9 मई एक कौमी सानिया है और शरपसंदों ने एक मुनजम साजिश के तहत तक की उन्होंने कहा कि शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता ये तो देख के बहुत दुख हुआ की ये तो हमारे कायदे आजम का भी सारा सामान इन्होंने जला दिया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जला के राख कर दिया तो बहुत अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है ये हमारे लोग हैं ये हाँ, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, जिसने भी ये काम किया है कोई भी, भी बंदा हो उसको कैफरे करदार तक चाहिए शुरुआ ने मुतालबा किया कि ऐसे वाकयात में मुलविस जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शरपसंद सहूलतकार और उसका मास्टर सजा से नहीं बच पाएंगे मर्द सलीम पाकिस्तान टेलीवी न्यूज लाहौर पाकिस्तान सर्विस के अब्दुल मन ने कहा है कि सबका फौजियों की तंजी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मनसूबे के तहत मुहिम जोई की करती है और हर कौमी एमरजेंसी में सर्विस पाकिस्तान को कुमक पहुँचाने के लिए तैयार है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की शुरू से ही पाकिस्तान दुश्मनी रविश अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार और इसकी जमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशत के लिए इस्तेमाल बलोचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशत गर्दों की पुशत पनाही लिसानियत सूबाइत और फिर वारीत को हवा देने की कोशिशों कौमी सलामती पर हमलों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं अफवाज पाकिस्तान की इन्हीं खिदमत के बायस इनके खिलाफ किसी भी किस्म की मजमू मुहिम के सामने सारे सबक फ़ौजी एक आहिनी दीवार की तरह खड़े होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल का कहना था कि सबक फ़ौजियों ने जंगे लड़ी कैदें काटी ज़ख्मी और अपाहिज हुए और शहादतों के नजराने पेश किए इन बहादुर सपूतों की तादाद पैंतीस से चालीस लाख के बराबर है जिनके कुछ मसाइल तोज्जो और हल तलब हैं गाजियों और बुजुर्ग सबक फौजियों के लिए सहूलतों को बेहतर बनाने की जरूरत है शहदा और गाजियों का अफवाज पाकिस्तान पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं ताहम जो इन बेरोजगारों को रोज़गार की फ्रहमी के लिए मंजूर शुदा मुलाजमतों का दस फीसद कोटा भी मैसर नहीं इसी तरह उन्नीस सौ पैंसठ और उन्नीस सौ इकहत्तर की जंगों में हिस्सा लेने वाले गाजियों और शहदा की पेंशन नाकाफी होने के सबब एक रैंक एक पेंशन का मुालबा मंजूर किया जाना चाहिए कंट्रोल लाइन के दोनों जानेब और दुनिया भर में मुकम कश्मीरी आज यौम इलाहाके पाकिस्तान इस अजम की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वह भारतीय तसलुत से आज़ादी और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंजमाम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे 19 जुलाई उन्नीस को श्रीनगर के इलाके आबी कसर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रहायश पर होने वाले आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अजलास में कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने इलाहा़े पाकिस्तान की करारदाद मुतवा तौर पर मंसूर की थी इस तारीखी करारदाद में पाकिस्तान के साथ मजहबी जगराफियाई फती और इकतसदी कुर्बत और लाखों कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के इलाहा का मुतालबा किया गया है कश्मीरियों का उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस का फैसला इस बात का वाजह सबूत है कि उन्होंने अपना मुस्तबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था उन्होंने अपने सियासी मजहबी समाजी सकाफती और माशी के तहफ के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वो हिंदुओं के मातहत अपनी किस्मत से बखूबी वाकिफ़ थे भारतीय तसल्ल से जम्मू कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इलाक के लिए गुजशत सात दहाइयों के दौरान तकरीबन पाँच लाख से जायद कश्मीरीओं ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है वैश्याना भारतीय मुजालिम भी पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की मोहब्बत को खत्म करने में नाकाम रहे हैं कश्मीरी आवाम आज यौम के पाकिस्तान मना रहे हैं 19 जुलाई उन्नीस सौ के दिन कश्मीरियों ने एक करारदाद के जरिए कयाम पाकिस्तान से कब ही पाकिस्तान के साथ इलाहा का फैसला किया था इस दिन की तारीखी अहमियत और पस मंजर के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान करारदाद इलाहा पाकिस्तान को तहरीक हुरियत कश्मीर में वही अहमियत हासिल है जिसकी हामिल करारदाद लाहौर है उन्नीस 19 जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस को कयाम पाकिस्तान से कबल ही कश्मीरी रहन ने आबी श्रीनगर में गाज़ी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रशाह पर एक क्रारदाद मंजूर की थी जिसमें उन्होंने यह फैसला किया था कि मज़बी जगराफियाई और लसानी अतबार से रियासत जम्मू कश्मीर का इलहाक पाकिस्तान के साथ इंतहाई जरूरी साथी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क्यादत में उन्होंने उन्नीस जुलाई को पाकिस्तान की एक करारदाद मंजूर की थी जिसके तहत जो आज देखें आज भी जो आज़ाद कश्मीर का जो नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उसी वक्त हो जो है, उस वक्त ये नारा जो है आवाज बुलंद हुई ये नारा बलंद हुआ और कश्मीरियों ने अपनी मंजिल का जो तयन किया वो पाकिस्तान था यही वजह है कि कश्मीरी अवाम हर साल 19 जुलाई का दिन योम इलाहा पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरी अवाम इस दिन रियासत जलसे जुलूसों और रैलियों का इनका करके पाकिस्तान के साथ अपनी फितरी और नजरिया वाबस्तगी का इजहार करते हैं अहमद खान पाकिस्तान मुजफ्फराबाद वजीम के मशीर बरायूर कश्मीर और गिलगित बल्तिसमर जबान कायरा ने यम इलाहा़ पास्तान के मौके पर अपने पैगाम में आलमी बरदारी पर जोर दिया है कि वह अगवा मुतहदा की कर्दादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादिया दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें उन्होंने कहा है कि कश्मीरीों ने छिहत्तर साल कबल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाहा की मंजूर की थी कश्मीरी आवाम की उमंगों की अक्का इस कर्दादा ने पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्तों को मजबूत किया उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने अपने शहदा के सब्ज लाली परचम में तदफीन करते हैं कमर जमान कायरा का कहना था कि कश्मीरी नौजवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान से अपनी मुहब्बत का इजहार करते हैं कमर जमान कायरा ने कहा कि भारत तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान और कश्मीर के बाहमी रिश्तों को कमज़ोर करने में नाकाम रहा है कुछ दीगर खबरों में यहाँ आपको बताएं हुकूमत सिंध ने सूबे में मयारी तालीम की फ्रहमी के लिए बहुत से इदारे कायम किए हैं जिससे मुल्क भर के आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं सखर में कायम रोड यूनिवर्सिटी दौरे जदीद की मार्केट के जरूरत के मुताबिक आलमी सतह के डिग्री प्रोग्राम्स में तालीम की फ्राही का सिलसिला जारी रखे हुए इस हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की ये रिपोर्ट सिंह के म्यारी तालीम की फरहमी के सिलसिले के तहत रोड़ी के करीब कौमी शराब पर अरोड़ के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ अरोड़ यूनिवर्सिटी में आलमी मैार के फैशन डिजाइनिंग विजुअल आर्ट समेत मुख्तिक डिग्री प्रोग्रामों में मुल्क भर से तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल कर रही है दौरे जदीद की मुल्की और आलमी सतह की जरूरत के मुताबिक अब मसनू जहानत समेत मुख्तिक अहम डिग्री प्रोग्राम का किया गया है अरोड़ यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ सरकारी सतह पर बेशतर आलमी मैार के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जो नए प्रोग्राम इस साल से हमने शुरू किए हैं उसमें बी एस एन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है बी एस मल्टी मीडिया एंड गेमिंग है और बी एस एन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म और बी एस इन सिनेमिक डिज़ाइन पाकिस्तान से तो कहीं से भी बच्चा जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है के इस के डिग्री प्रोग्रामों के अरोड़ यूनिवर्सिटी अहम किरदार अदा कर रही है जहाँ मुल्क भर से तालब इलम की एक बड़ी तादाद इस यूनिवर्सिटी से इस्तेफाद कर रही है मलिक इमरान शाहिद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज सखर और कराची के मकामी हॉल में फलों के बादशाह आम के मुख्त के खाने बनाने की तरबीय फराम की गई। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली गुजशत बरसों में खुवान के लिए नित नए खाने बनाने की तरबियत के रुझान में इजाफा हुआ है कराची के मकामी हाल में एक ऐसी ही तकरीब का इनका किया गया है जिसमें खुवान को फलों के बादशाह आम ऐसी मुख्तलिफ खाने बनाने की तरकीब सिखाई गयी अंडर वन रूम हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की आए आप सीखे भी आप अपनी चीजें सेल करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आए स्टॉल लगाएं लोगों को अपना काम दिखाएं लोगों को ये फायदा हो रहा है कि वो अपने पेज को प्रमोट कर रहे हैं अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं और इससे अपना बिजनेस चला रहे हैं की वो आम से किस तरह से होती हैं ताकि लोगों को पता चले आम सिर्फ खाने के लिए नहीं और भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं लोगों ने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर तो उन लोगों की जो है वो यहाँ पर पब्लिसिटी होगी और जो लोग कॉम्पिटिशन का पार्ट है उनका बिजनेस बढ़ेगा मैंगो एडवेंचर के नाम से तकरीब में मुख्तु खानों मिठाइयों केक घर के बने हुए बिस्किट पिज्जा और दूसरी अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे जो इन्होंने यहाँ सिखाई वो मैंने घर पे ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट किया उससे मुझे माशा है में खाना सप्लाई करती हूँ ऑनलाइन मेरा काम है और टेलीफोन के जरिए मेरे पास ऑर्डर आते हैं और यही मेरी अर्निंग है तकरीब में फूड इंडस्ट्री ऐसी मुतालिक मुखल कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक थे जिन्होंने खातन की सलाहियतों और काम को सराहा जायकेदार खाने बनाने में पाकिस्तानी

पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान यंग इनोवेटिव माइंड सोसाइटी और कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के बाहमी इश्तराक से छतीसवां इंटरनेशनल यूथ फिज़िक्स टूर्नामेंट आई वाई पी टी का इनका किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर से सत्रह ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं छत्तीसवीं फिजिक्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की अफ्ताही तकरीब का इनका पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी में किया गया तकरीब के मेहमान खसूस गवर्नर पंजाब इंजीनियर रहमान थे तकरीब में मुख्तु यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स समेत गैर मुल्की एम्बेसडर्स भी शरीक थे इंटरनेशनल यूथ फ़िजिक्स टूर्नामेंट में सत्रह ममालिक टीमें और दो सौ से ज़ायद तलबा और तलबात हिस्सा ले रहे हैं मरी में सात रोज़ तक जारी रहने वाले वर्ल्ड फिजिक्स टूर्नामेंट में ब्राज़ील बल्गारिया कनेडा चीन क्रॉफिया जमहूरिया चेक जॉर्जिया हंगरी ईरान मैक्सिको पोलैंड रोमानिया थाईलैंड यूक्रेन और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं इफ्ताही तकरीब से ख़िताब करते हुए गवर्नर बल्ली रहमान ने कहा कि कोसार यूनिवर्सिटी के ज़र इंतज़ाम इन, इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के मुख्त तलबा तलबात मुल्क के खूबसूरत तफरी मकाम मरी पहुंचे हुए हैं जो मुकाबलों में हिस्सा लेंगे ये जहनों की लड़ाई होगी नया नॉलेज होगा देखने वालों और टीमों के लिए सीखने का मौका होगा उन्होंने कहा कि फिजिक्स यूथ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पाकिस्तान को पहली बार मौका मिला है पाकिस्तान की मुसबत तस्वीर दिखाने के लिए एक बड़ी काविश है इफ्ताही तो तरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी ने कहा कि फिजिक्स और स्टेम एजुकेशन की प्रमोशन के लिए यह टूर्नामेंट एक संगमीन साबित होगा इस मौके पर एडवोकेट ताहिर खान प्रोफेसर परवेज हुदबाई और मार्टन प्लेश ने भी अपने ख्याल का इजहार किया रावल और इस्लामाबाद में बारिशों के नए सिलसिले ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया तूफानी बारिश के बायस इस्लामाबाद गोलडा मोड़ के करीब दीवार गिरने से बारह अफराद जाँ बहक हो गए जबकि चार अफराद को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया नाला में तोगानी के बायस इंतजामिया के साथ फौज भी अलर्ट है मुतद नशेबी इलाके भी जेरे आब आ गए हैं मजद क्या तफसी हैं क्या सूरत हाल है बता रही हैं मरिया मलिक बारिश से इस्लामाबाद में बड़ा नुकसान बारह जाने चली गयी रात ऐसी जारी तूफानी बारिश के दौरान गोलाड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने ऐसी बारह अफराध जाम बहाक हो गए जबकि इमदादी टीमों ने चार अफराध को जिंदा निकाल लिया पुलिस के मुताबिक तकरीबन सौ फुट तवील और ग्यारह फुट ऊंची दीवार के साथ पुल की तमीर के लिए मजदूरों ने टेंट लगा रखा था मूसलाधार बारिश के बाईस जुड़वा शहरों समेत इर्द गिर्द के, के नशेबी इलाके जेर आब आ गए पानी घरों में दाखिल होने ऐसी कीमती सामान को नुकसान पहुँचा है नालाई में तगयानी के बाईस किनारों आरोप बसने वाले घरों को खाली कराने के लिए फ्लड वार्निंग सेंटर्स की जानेब से सायरन बजाए गए रेन इमरजेंसी के पेशे नजर पाक फौज के दसों को नाला लय आरोप तैनात किया गया कटारिया में पानी की सतह सत्रह फुट और कवाल मंडी में तेरह इशारिया पाँच फुट तक पहुँच गयी ताहम बारिश थमने ऐसी पानी की सतह कम हो रही है कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की जानब से रेन एमरजेंसी नाफि करते हुए तमाम मुतलका इधारों को हाई अलर्ट रखा गया है तर्जुमान एन एच ए के मुताबिक कोई सदाकत नहीं की बारिश के बाइस गिरने वाली दीवार अंडर पास की है अंडर पास की दीवार और कंस्ट्रक्शन साइट महफूज और सलामत है मैंबर ऑपरेशन एन डी एम ए ने हालिया बारिशों और उसके मुतव इमकान के हवाले ऐसी खसूसी इजलास की सिदारत की इजलास में पाक फौज पी एम डी फ्लड फोरकास्टिंग डिविजन पी एम डी सुबाई डिजास्टर सुबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीजी डी एम ए एस डी एम में डैम अथॉरिटी तमाम सूबाई महकमा एग्रीगेशन इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पार्को रेस्क्यू टू, टू ने बारिशों के मुमकिन असरा तो सैलाब के इमकान और रेस्क्यू की तैयारियों के हवाले ऐसी ब्रीफिंग दी महकमा मौसम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलि शहरों में बारिश जारी रहने का इम्कान है जिसे मुमकिन असरा में नशेबी और पहाड़ी इलाकों में सलाब और लैंड स्लाइडिंग मुतव है वजे आजम पाकिस्तान और वजी दाखिला राना सनाउला ने गोल मोड़ पिछाव रोड आरोप बारिश की वजह ऐसी दीवार गिरने के हादसे में जाम बाहक होने वाले अफराद आरोप गहरे धुख और अफसोस का इजहार किया वजीर दाखिला ने चेयरमैन सी डी ए को जख्मियों को तमाम तर इमदाद फरहम करने और बारिशों के दौरान हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की है मरियम मलिक पी टी वी न्यूज इस्लामाबाद शदीद और तूफानी बारिशें जारी हैं और अभी ये सिलसिला जो है वो आगे भी चलेगा कितने दिन आगे चलेगा कहाँ कहाँ पर ज्यादा बारिशों का इम्कान है किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त द मोस्ट कंसर्न पर्सन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने चौधरी मोहम्मद असलम साहब डायरेक्टर मेट लाहौर इनसे बात करते हैं असलम चौधरी साहब जी जी सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का हमारे शो का हिस्सा बनने का

हैवी जैसे रेंज है इस्लामाबाद कुठवार डिवीज़न, गुजरावाला डिवीजन और लाहौर में इनमें काफी मूसलाधार बारिश हो सकती है और जैसे हमने देखा कि आज इस्लामाबाद रौलपिंडी और चखवाल इस तरह सैलपोर लाहौर में आज काफी मूसलाधार बारिश हुई इनसे जैसे हमारे दरिया इंडिया ने आज पानी छोड़ा उर्ज के मुकाम पर दरियाई रवि में एक लाख अस्सी हजार वहां से रिलीज किया और दरियाए तभी जम्मू तभी इस एक लाख पचास हजार रिलीज किया तो दरिया जैसे, जैसे चिनाब रावी और जेला में मीडियम से हाई फ्लड आने का खतरा है बल्कि अभी जो मराला पे लेवल चल रहा है वो हाई फ्लड में है दो लाख दस हजार क्यूसिक मान्य वहाँ से जो अभी लेटेस्ट न्यूज है वहाँ से चल तो रहा है तो इनकी वजह से जो इंडिया मुसलसल पानी छोड़े जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी दरियाओं में हाई फ्लड का खतरा मौजूद है इसके साथ साथ जो हमारे हिल टोरेंट्स जैसे डीजी खान है इसमें जो नाले हैं जो कोई सुल्मान में बारिश होगी तो उनमें नालों में भी जो तुगानी आने का खतरा है और केपी नार्दर्न एरियाज कश्मीर इसमें जो हमारे हिली एरियाज में फ्लैश फ्लडिंग और लैंड फ्लडिंग भी हो सकती है अच्छा चौधरी साहब ये भी बताइएगा आपने ओवर का बता दिया कि किस किस तरह से अभी जो है वो मौजूद है कितना में पानी है कैसा लेवल चल रहा है ये भी जरा जरूर शेयर कीजिएगा कि अगले आने वाले दिनों में क्या इसमें इजाफा होने का इम्कान है और तौर पर जैसे आपने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होगी तो डेफिनेटली पानी जो है वो नीचे की तरफ जब फ्लो करेगा तो दरियाओं में जो पानी की सतह है उसको उसमें इजाफा होने का कितना खतरा है जी दरिया में जैसे में हो सकता है लेकिन जैसे इनमें डिपेंड करेगा कि इंडिया की तरफ से कितना रिलीज किया जाता है आज भी जैसे रावी और चिनाब में मैंने बताया कि से हुई है। तो उन पे कर रहा है और ये मीडियम से हाई फ्लड इसमें आ सकता है इस, इस जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और दरिया जेलम मंगला पे भी जो है मीडियम लेवल तक फ्लड आ सकता है तो आने वाले दिनों में फ्लोज में हो सकता है बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर मेट लाहौर Uh, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है पानी में और 18 से 23 जुलाई तक यानी जो ये मौजूदा स्पेल चल रहा है ये होगा और ये अभी तक जो है मानसून का स्ट्रॉगेस्ट स्पेल भी कहा जा रहा है बिल्कुल जी और अब रुख करेंगे बहावल नगर का जहां दरिया सतलुज के सैलाबी रेले में पानी का बहाव मुसलसल तेज हो रहा है सैलाबी रेला चश चिश्तियाँ और हेड इस्लाम की तरफ गामजन है मजीद जानते हैं अपने नुमांदे राना फैसल रहमान से जो इस वक्त भोका पतन पुल पर मौजूद हैं जी राना फैसल अपडेट कीजिएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप

पर जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है तकरीबन इस वक्त तक जो है 518 सौ अठारह लोगों को जो है सेफ मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है कई ऐसे देहात हैं जहाँ पर जो जमीनी जो रास्ता जो था वो बिल्कुल कट चुका था जमीनी रास्ता जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था लोग जो है बेहारों मददगार पड़े थे वहां पर भी रेस्क्यू डबल वन डबल टू के जो जहां बाज है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों को भी सेफ मकाम पर जो है वह पहुंचाया जाए इंतजामिया की जानब से जो तकरीबन अठारह फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए थे मुतासर इलाकों में वो भी अपना काम जारी

पाकिस्तान फोरम ने अपनी सालाना रिपोर्ट शाया कर दी है फोरम अपने मुंबरान के साथ मिलकर पाकिस्तान में चार सौ ऐसी मनसूबों आरोप काम कर रहा है ये मनसूबे दो हजार बाईस के सैलाब के फौरन बाद शुरू किए गए थे दो करोड़ ऐसी लोगो को इन मनसूबों ऐसी बरह रास्त फायदा हो रहा है जिस तरह का सैलाब पाकिस्तान ने पिछले साल देखा वो दुनिया में तारीख में इस सदी में किसी ने नहीं देखा देखिए तैतीस मिलियन जब लोग मुतासर होते हैं तो आप सोचें के घर तो उजड़े लेकिन पूरी एक तिहाई सरजमीन किस मुल्क की एक तिहाई सरजमीन उजड़ती है हमारे जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जूलियन हार्नेस ऐसी द स्विस एम्बेसडर यू एन एंड अदर्स जितने भी हैं इन्होंने हम सब की भरपूर और दिल से मदद की है चेयरमैन सेनेट सादिक सिंह ने कहा सर से पाकिस्तान का एक हिस्सा मुतासर हुआ मुतासेन की तादाद बहुत ज्यादा है नवम्बर में सेनेट ऑफ पाकिस्तान होस्ट करेगा गवादर में मैं आप सबको लेके जाना चाहता हूँ आप एक बलोस्तान का नया शहर पाकिस्तान का जो बन रहा है पोर्ट सिटी उसको भी देखें और हम एक डोनर कॉन्फ्रेंस वहां करें सेव दी चिल्ड्रन के क्रम गोंदल कहते हैं आलमी इदारों ने जो पाकिस्तान के साथ वादे किए वो पूरे करें गवर्नमेंट की तरफ से आ, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए नो डोनर्स भी आए उन्होंने भी प्लेज किए लेकिन जो बड़े प्लेज अभी हैं जैसे नाइन बिलियन डॉलर्स जो कि प्लेज किए गए हैं अब उनका आना नागुजीर है सैलाब से पाकिस्तान को जरा ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग के सेक्टर में बड़े नुकसान हुए हैं मुतासरी की बहाली और घरों की तमीर के लिए मकामी और बैनवादारे मिलकर काम कर रहे हैं है इस्लामाबाद। बात करेंगे भारत की जहाँ सैलाब का पानी ताजमहल के बैरूनी दीवारों ऐसी टकरा रहा है जिससे सफेद संग मरमर ऐसी तमीर सत्तरवीं सदी की तारीखी यादगार को नुकसान पहुँचने का खदशा है बारिशों के बाद शिमाली रियासत उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला दरियाए यमुना का पानी आगरा शहर में मौजूद तारीख़ी ताजमहल तक पहुँच गया है उत्तर प्रदेश समेत शिमाली भारत में गैर मामूली शदीद बारिश के बाद गुज्त चंद रोज के दौरान दरियाए यमुना के पानी की सतह में इजाफा हुआ है भारत के सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ताजमहल के साथ बहने वाले दरिया की सतह एक सौ बावन मीटर तक बढ़ गई आखिरी बार दरिया ताजमहल की दीवारों तक पैंतालीस बरस कबल 1978 में पहुंचा था जनाज के साथ ही न्यूज शो एट सिक्स का वक्त अपने इख्ताम को पहुंचता है आप हमारे साथ रहे आपका बहुत शुक्रिया रिजवान रौनक नाजिया कमल और हमारी प्रोग्राम टीम को दीजिए इजाजत मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज